हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू सेमेस्टर थ्री। इन सेमेस्टर थ्री वी हैव द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर हैलोजन डेरिवेटिव्स। यो एमजीसी मेजर कहलाता है, मेजर थ्री थ्योरी पेपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हैं कि जो कार्बन साइकिल में, उसकी पूरी स्टडी करनी, जस्ट लाइक साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन लाइक दिस। एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे कहीं पर अटैचमेंट इनका हो, यानी कि हैलोजन इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हैलोजन्स, एनी हाइड्रोजन्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आप देखिए कोर्स आउटकम क्या मिलेगा, जब आप इसको पढ़ लेंगे द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या क्या अंडरस्टैंड होगा कि द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का एरोमेटिक कैरेक्टर समझ में आएगा। जैसे बेंजीन, तो आपको बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर, बेंजीन एरोमेटिक होता है तो एरोमेटिक कैरेक्टर समझ में आएगा। और द आइडिया टू डिज़ाइन सम ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और उससे क्या और क्या पता चलेगा कि आप कुछ सिंथेसिस कर सकते हैं, किसी नई चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, या वन फंक्शन ग्रुप से दूसरे फंक्शन ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर हैलोजन डेरिवेटिव थ्योरी 4 credit का है, और टॉपिक टू बी कवर्ड, ये सब टॉपिक कवर्ड होंगे। फर्स्ट होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, सेकेंड होगा केमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, थर्ड होगा केमिस्ट्री ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, एंड फोर्थ है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एडीन्स। ये 4 chapter हैं आपके, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या करना है, जैसे आपने कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल वगैरह पढ़ा, इसी तरह अब थोड़ा सा एडवांस होकर पढ़ना है कि कार्बीन क्या है, है ना, नाइट्रीन क्या है एंड बेंजाइन क्या है। ये 3 intermediate आपको पढ़ने हैं, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। कार्बीन जो है कार्बन से ही रिलेटेड है, फ्री रेडिकल से रिलेटेड है, इसकी थोड़ी सी 2 electrons जो होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। नाइट्रीन नाइट्रोजन से अटैच है, वही 2 electron की सिस्टम इसमें होती है, सिंगलेट होता है, ट्रिपलेट कार्बीन होती है। उसी तरह बेंजाइन है, ये बेंजीन से रिलेटेड है, आपको बतलाएंगे कि बेंजाइन में कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है बेंजीन में कि वो बेंजाइन हो जाता है। उसका आप जनरेशन का मतलब है कि बनेगा कैसे, उसकी स्ट्रक्चर, उसको हम स्ट्रक्चर कैसे दिखलाएंगे, लिखेंगे कैसे, स्टेबिलिटी, जो वो बना तो वो स्टेबल है कि नहीं, कि फिर किसी चीज़ में वो कन्वर्ट हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी, एंड रिएक्शंस, अब उसके कौन कौन से रिएक्शंस हैं, तो ये हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो है आपको जो सीखना है वो केमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स करना है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या है कि आप नोमेनक्लेचर सबसे पहले पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये मोनोसाइक्लिक का मतलब एक साइकिल, जैसे हम पढ़ते हैं बेंजीन एक साइकिल, लेकिन जब हम उसको नेफ्थलीन कर दें तो वो बाईसाइक्लिक हो जाएगा। उसी तरह स्पायरेन होता है वो बाईसाइक्लिक में आ जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे बाईसाइक्लिक जो एरोमेटिक में भी होगा, नॉन एरोमेटिक में होगा, तो मोनोसाइक्लिक, सिंगल साइकिल और बाईसाइकिल। बाईसाइकिल भी कई तरह से अटैचमेंट होते हैं, एक कार्बन से दोनों साइकिल अटैच हो, 2 different carbon से 2 cycles अटैच हो, या कंडेंस हो, काफ़ी चीज़ें उसमें हम लोग पढ़ें। उसके बाद बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ये कार्बन के एंगल से रिलेटेड एक थ्योरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसके 2 forms होते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, तो कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बोट फॉर्म थोड़े से स्टेबिलिटी क्या होती है, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, चेयर फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाइड्रोजन्स अगर रिप्लेस होता है वो इससे, तो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स से की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो वो सब पढ़ेंगे। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट, जो बीच की स्थिति आती है, बीच की जो स्ट्रक्चर आ जाती है कि चेयर नहीं है ना बोट है, तो बीच का ट्विस्ट बोट कहलाता है। फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन विथ देयर एनर्जी लेवल डायग्राम, और एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एक एनर्जी है वो, उसको हमको पढ़ना है। उसमें हम आपको बताएंगे होमोलोमो गैपिंग के बारे में, उससे बहुत सारी चीज़ पता चलता है।
रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, जब एक कोई चीज़ उस पर अटैच करते हैं साइक्लोहेक्सेन पर, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हुआ, लेकिन अगर हम दो कर देते हैं है ना तो दो डाई क्लोरो हो जाता है, तो उस कंडीशंस में उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी उस पर डिस्कस करें। एरोमेटिसिटी पढ़ना है, एरोमेटिसिटी आपको मालूम ही है कि मोलिकुल्स का प्लेनर होना, मोलिकुलर में कंजुगेशंस होना, मोलिकुलर का साइक्लिक होना है ना, ये बहुत सारी कंडीशंस है, और हकल्स रूल को फॉलो करना, रूल्स हकल्स रूल दिया भी अलग से भी पढ़ना, हकल्स रूल विथ रेफरेंस टू बेंजीनोइड कार्बोकटायंस कार्बनायंस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन हैलोजिनेशंस नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रेडल क्राफ अल्काइलेशन एसाइलेशन इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये फ्रेडल क्राफ ये सब जो सल्फोनेशन नाइट्रोजन आपने 10+2 में भी पढ़ा होगा, प्रोफाइल डायग्राम ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि OH है तो उसको फिनॉल कहेंगे, क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजल्डिहाइड, ये सब जितने एक फंक्शन ग्रुप अटैच हो तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अब कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद फिर हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप उस पर अटैच करना चाहते हैं तो फिर वो कहाँ पर जाएगा, उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्केन के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा, उसकी पीपीएशन प्रॉपर्टीज यूजेज अल्कीन के बारे में पढ़ा, अल्काइन के बारे में पढ़ा, अब थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा उससे आगे की तरफ पढ़ना है, जनरल मेथड ऑफ पीपीएशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ मोनो एंड डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, अल्केन का दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर या सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस कर वहाँ पर हैलोजेंस हम डालेंगे, तो हैलोजेंस में भी अगर बिटवीन 1-2 के बीच में है तो उसको 20 डाइहैलाइड कहते हैं, अगर एक ही कार्बन पर आपने दो का हाइड्रोजन डाल दिया और दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वो जीम डाइहैलाइड कहलाता है, तो इस तरह के 1-3 पोजीशन पर हो सकता है, 1-4 पोजीशन पर हो सकता है दोनों, तो उसके बारे में पढ़ना। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते हैं कि एक ग्रुप को हटाकर दूसरा ग्रुप को उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक फंक्शन ग्रुप रिप्लेस बाय अनदर फंक्शन ग्रुप, उसको सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं, और एलिमिनेशंस के अगर एडजेसेंट पोजीशन से दो चीज़ें निकल गई और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो गया, जैसे लाइक क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, क्लोरीन दूसरे कार्बन पर है, हाइड्रोजन उसके बगल वाला कार्बन पर है, HCl बन के अगर बाहर निकल गया तो दैट इज़ द वहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट में, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, तो उससे रिलेटेड आपको SN1 SN2 SNI E1 E2 एंड E1CV मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। ये वाली पोर्शंस हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि चार चैप्टर हैं, हम लोग फैकल्टी भी हैं तो हम लोग चैप्टर बांट लेंगे है ना, तो ये थर्ड चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरिन्स, जनरल मेथड ऑफ पीपीएशंस प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हैलोजन्स डेरिवेटिव ऑफ एरिन्स, एरिन आप जानते हैं कि ये बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में, तो उसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे वो बनेगा, फिर वो किसको बनाएगा और उसका इस्तेमाल क्या होता है, तो किसका, हैलोजेंस का, हैलोजन डेरिवेटिव जैसे क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन है ना, 1-3 डाइक्लोरोबेंजीन 1-4 डाइक्लोरोबेंजीन है ना, 1-2-3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, लाइक दिस ऑल हैलोजन डेरिवेटिव्स हमको पढ़ना है। मैकेनिज्म पढ़ना है, एरोमेटिक का SN2 एरोमेटिक SN1 एलिमिनेशन एडिशन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पहले एलिमिनेशन हो जाता है फिर एडिशन हो जाता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, एक ही रिएक्शंस में होते हैं, तो हम मिलाकर पढ़ेंगे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म्स, जिसको बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं, जो आप फर्स्ट चैप्टर में देखिए बेंजाइन इंटरमीडिएट आया तो यहाँ पर इसको देखें, तो ये 3 और 4 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है, और कुछ किताबें हैं इसमें जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SA मुखर्जी एंड SP सिंह, ये अच्छी किताब है, ये लाइब्रेरी में भी आप ले लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IL फिनार, अगर खूब अच्छे से नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आपको ये किताब लाइब्रेरी से लेनी है। ऑर्गेनिक मॉरिशन एंड बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्राहम सोलोमन्स की लिखी हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पौला ब्रूस की लिखी हुई, एंड स्टूडियो केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बा डॉक्टर नासीपुरी डी नासीपुरी, तो ये जो चैप्टर्स है ये जो आपका पेपर है ये पेपर हम
आपको पढ़ाएंगे, जिसमें दो यूनिट हम आपको पढ़ाएंगे, 3 और 4, केमिस्ट्री ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरिन्स।